बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ फलाफल। फलाफल बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं उनमें शामिल हैं उबले हुए चने, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में जाएगा पार्सले और हरा धनिया, पार्सले इसमें लाजमी जाएगा। इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड में मैंने पहले चने डाल दिए, साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। पार्सले को भी मैं मोटा मोटा काट के इसमें शामिल करूंगी, पार्सले और हरा धनिया। इन सबको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड होने में ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये ग्रेनी साइज का टेक्सचर हो गया है, इसको मैं साइड से स्क्रैप कर लूंगी। इसमें मैं कुछ मज़ीद मसाले भी शामिल करूंगी। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून, काली मिर्च इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, सब्ज़ इलायची का पाउडर या ग्रीन कार्डमम पाउडर 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको शामिल करना चाहें तो शामिल करें, नहीं तो स्किप कर दें। नमक इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। इन सबको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, इसमें ग्राइंड कर लेंगे। अब ये टेक्सचर रेडी है, इसको बाहर निकाल लेते हैं बोल में। अब इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा इसमें बेसन जाएगा 2 बड़े चम्मच, नॉर्मल चम्मच। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे इस मिक्सचर में। बेसन और बेकिंग पाउडर मिक्स करने के बाद ये इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं, फिर हाथों को पानी लगा के इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। अब इनको मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया है। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब चाहे तो इनको छोटे छोटे बॉल बना के इनको फ्राई कर लें, चाहे तो इनको राउंड कबाब की शक्ल दे लें। अमूमन ये राउंड बॉल की शक्ल में इनको बनाया जाता है फलाफल्स को। ये ज़्यादातर अरबी लोग इनको बनाते हैं। सारे फलाफल मैंने रेडी इसमें शामिल कर दिए हैं ऑयल में। इनको 2-3 मिनट पकाएंगे, गोल्डन ब्राउन होने पे इनको निकालूंगी। उम्मीद है आपको आज ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मज़े वाला फूड, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। अब इनकी गोल्डन ब्राउन लुक आ गई है, इनको मैं निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर पे ताकि इनका एक्सेस ऑयल अब्जर्ब हो जाए। लीजिए, हाजिर है आप सबके लिए। बिस्मिल्लाह कीजिए, इफ्तार में इनको एंजॉय कीजिएगा। ये काफ़ी लाइट साइज का टेक्सचर होता है, फ्लफी से होते हैं, अंदर से ये ग्रीन होंगे इस तरह। इफ्तार प्लेटर में हाजिर है आप सबके लिए। Thank you.